Hello everyone, once again you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC and this is Vinod Kumar Garg. So friends, first of all, please subscribe my channel because here you will get the maximum videos for advanced biology, pharmaceutical marketing, pharmacy and many more videos about advanced techniques of memory and videos about the other things like nursing, NSO, NTSA and many more. So friends, today's video is about pharmaceutical marketing. This is a video on demand by one of the viewer. And friends, this video ka topic hai what you need for quick promotion in pharmaceutical marketing. ठीक है कि pharmaceutical marketing में जो नए नए लोग आ रहे हैं अगर वो quick promotion चाहते हैं तो quick promotion में क्या क्या उनको requirements होती हैं जो उनको quick promotion दिलवा सकते हैं तो उस सारी चीजों को हम यहाँ पे discuss करेंगे. ठीक है friends. तो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, मेडिको मार्केटिंग में क्या है, मेडिको मार्केटिंग बाकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के अगर कंपैरिजन हम करें तो टोटली डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपने एक हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटीज डॉक्टर्स को मिलना होता है. ठीक है, उनसे अपना जो प्रोडक्ट है वो लिखवाना है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन निकलवानी है और रिटेलर के थ्रू उसको सेल करवाना है. और ये सारी जो मेडिसिन की जो मार्केटिंग होती है और ये फेथ के साथ चलती है क्योंकि आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बेचना है. बिकॉज ये सारा जो बेसिकली किसी की हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ कंसर्न है. ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है कि लर्न ऑल अबाउट मेडिको मार्केटिंग. मेडिको मार्केटिंग में आपने सारी चीजों को सीखना है अगर आपको एक प्रमोशन फार्मा मार्केटिंग में चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम क्या क्या काम करते हैं. ठीक है, तो ऐसा भी मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है जिसपे मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 11 सिस्टम्स होते हैं, वो 11 सिस्टम में कौन से ऑर्गन है, वो क्या काम करते हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले जानना है कि ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसके बाद आपने जानना है फिजियोलॉजी के बारे में. सो फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी होती है कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो काम कैसे करते हैं. ठीक है, जो ऑर्गन की स्ट्रक्चर होती है उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं और जो ऑर्गन का फंक्शनिंग का जो मेथड है वो हार्ट, जैसे हार्ट है वो ब्लड सर्कुलेशन करता है, ब्लड को पंपिंग करता है, वो कैसे करता है, तो वो कैसे वाली जो है मतलब कैसे काम करता है, तो उस प्रोसेस को हम समझना होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी. ठीक है, उसके बाद आता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी. तो आपने मेडिकल मार्केटिंग जब करनी है तो मेडिकल के साथ रिलेटेड हर तरह की टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए कि जैसे डिजीज है तो उसको, जैसे सीओपीडी डिजीज है फॉर एग्जांपल, तो सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, जैसे कैंसर है तो एक उसमें बिनाइन कैंसर है, एक मैलिग्नेंट कैंसर है, तो बिनाइन का मीनिंग क्या है, मैलिग्नेंट का मीनिंग क्या है. ठीक है, तो ऐसी जैसे हेपाटाइटिस है तो उसमें टाइटस, आइटस पीछे आता है, उस आइटस का मीनिंग क्या है, तो ये सारी की सारी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो आपको आनी चाहिए. टेस्टिंग जो होती है, मेडिकल टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल टीएलसी है, डीएलसी है, ठीक है, और जो हमारा हेमेटोयूरिया है, तो ऐसे जो भी टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स आपको मेडिकल के साथ रिलेटेड सारी पता होनी चाहिए. ठीक है, तभी आप डॉक्टर के साथ एक अच्छी डिटेलिंग कर पाओगे, प्रोडक्ट के डिस्कशन कर पाओगे. और उसके बाद आपको मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए. मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है कि जैसे ओटीसी ड्रग है, प्रिस्क्रिप्शन का क्या मीनिंग है, ठीक है, आरसीपी क्या क्या मीनिंग है, रिटेल का केमिस्ट प्राइस ऑडिट जो हम करते हैं उसका क्या मीनिंग है, तो एक्सपायरी क्या होती है, एक्सपायरी डेट्स क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होती है, तो ये सारी मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी भी आपको आनी चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपने इन चार चीजों के ऊपर काम करना है अगर आप क्विक प्रमोशन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में चाहते हैं. तो उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा आता है मार्केट योर सेल्फ बाय योर यूएसपी. तो मतलब आपने अगर जल्दी प्रमोशन लेना है तो आपको खुद की भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी. खुद की मार्केटिंग कैसे करोगे, आप सबसे पहले देखो कि आपके अंदर यूएसपी क्या है. यूएसपी का मीनिंग है यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपका खुद का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है. ठीक है, तो आप इसको कैसे पता लगाओगे, आप खुद का सबॉट एनालिसिस करोगे, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स. ठीक है, तो ये सारा सबॉट एनालिसिस करते हुए आप खुद के जो यूएसपी है उसको पहचान करें और उसकी पहचान करने के बाद अपने खुद की मार्केटिंग करें. और जो आपका यूएसपी है ये फ्रेंड डिपेंड करता है योर पास्ट एक्सपीरियंस प्लस पर्सनल इंटरेस्ट. आपका एक्सपीरियंस पास्ट कितना है, जैसे आपने किसी कंपनी में ऑलरेडी काम किया है तो किस सेगमेंट में आपने काम किया है,
किस तरह कस्टमर को आप मिल चुके हो, ठीक है, क्या क्या आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा है, क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो वो सारा पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, प्लस आपके पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कि आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में आपका खुद का इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, आप लर्निंग क्या करते हो, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, तो वो सारा आपका पर्सनल इंटरेस्ट है जो कि आपको फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में क्विक प्रमोशन दिलाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग का सेल्स एंड मार्केटिंग करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो कैसे है, सबसे पहले आपने रिकॉर्ड रखना है अपना MSL। MSL का यहाँ पे मीनिंग है मस्ट सी लिस्ट, ठीक है। जैसे ही आपने अपने घर से बाहर निकलना है अपनी जॉब के लिए, मार्केटिंग के लिए, तो आपने सबसे पहले अपनी मस्ट सी लिस्ट इसको देख के जाना है कि कौन कौन से डॉक्टर्स को आज आपका मिलने का प्लान है, कौन कौन से कस्टमर को आपका मिलने का प्लान है, किस कस्टमर को किस टाइम पे पहले मिलना है, बाद में मिलना है, वो सारा जो प्लान आपको दिखता है, वो प्लान कैसे आपको बनाना है, वो सारे का सारा प्लान आपको MSL मस्ट सी लिस्ट से ही मिलने वाला है। तो मस्ट सी लिस्ट आपने बनानी है अपने पोटेंशियल कस्टमर की। उसके बाद आपने बनानी है MSL ऑफ रिटेलर, क्योंकि डॉक्टर का काम है मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना। उसके बाद वो जो स्लिप होती है, प्रिस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, वो जाती है केमिस्ट के पास। तो कई बार क्या होता है, ऐसा मतलब अक्सर होता है कि डॉक्टर ने तो आपका ब्रांड लिख दिया, लेकिन केमिस्ट के पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जहां केमिस्ट बहुत बार उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, उसको अवॉइड करने के लिए आपने MSL ऑफ रिटेलर ये भी ध्यान रखना है कि आपको रिटेलर किस रिटेलर को मिलना है, किस डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है किस रिटेलर के पास ज्यादा जाती है, कौन सा जो रिटेलर वो ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है, और जो नहीं है उसको ट्रस्ट वर्दी कैसे हम बना सकते हैं, उसके ऊपर क्या काम करना है। तो MSL ऑफ रिटेलर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी डॉक्टर लिस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्स रिकॉर्ड। आपने सेल्स रिकॉर्ड रखना है अपना, मंथली रिकॉर्ड रखना है, क्वार्टरली रखना है और एनुअली रखना है। इसके क्या बेनिफिट है, अगर आप सेल्स रिकॉर्ड रखोगे तो आपको ये मोटिवेशन मिलती रहेगी कि अगर आप मतलब अपनी जो इंसेंटिव्स होते हैं फार्मा मार्केटिंग में, इंसेंटिव बहुत मिलते हैं, सैलरी से ज्यादा इंसेंटिव आप अर्न कर सकते हो, लेकिन वो कैसे अर्न करोगे अगर अपना सेल्स रिकॉर्ड आप रखोगे, ठीक है, देखते रहोगे कि मेरे को और कितनी सेल करनी है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जो इंसेंटिव की जो बड़ी से बड़ी स्लैब है उसमें आ पाऊं, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप इंसेंटिव अर्न करोगे तो वो भी आपके फार्मास्यूटिकल प्रमोशन में, मार्केटिंग में आपका जो MR से लेकर ABM फिर RBM जो ये सारा ग्रोथ पाथ है तो उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट वाइज सेल रिकॉर्ड, ठीक है, क्योंकि कंपनीज क्या करते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा साइकिल्स होते हैं, तीन तीन महीने के साइकिल होते हैं कंपनी के, ठीक है, चार साइकिल होता है तीन तीन महीने के, तो हर तीन महीने में डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट इंसेंटिव स्लैब होती है, तो आपने प्रोडक्ट वाइज रिकॉर्ड भी अपना रखना है। और उसके बाद आता है कस्टमर वाइज सेल रिकॉर्ड। इसका आपको क्या बेनिफिट है, कस्टमर वाइज अगर सेल रिकॉर्ड आप रखते हो तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको आप हर महीने के एंड पे आप देखोगे किस कस्टमर से मुझे कितना सेल मिला, किसका कितना पोटेंशियल है और किसके पोटेंशियल को इनक्रीज किया जा सकता है, किसका पोटेंशियल बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर हम पोटेंशियल क्रिएट कैसे करें, या फिर उस कस्टमर को हम अपनी लिस्ट से निकालकर कोई नया पोटेंशियल कस्टमर उसमें ऐड करें। तो आपको MSL के रिकॉर्ड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सारी आप चीजें करते हैं तभी आप अपने सबॉर्डिनेट को सिखा पाओगे, तभी आप प्रमोशन ले पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशन होता क्या है, एक तो होता है सी, एक होता है वॉच और एक होता है ऑब्जर्व, ठीक है। अब जो सी होता है वो होता है सिंपली देखना, जिस चीज को हम देख नहीं रहे हैं बट वो आपको देख रही है, ठीक है। वॉच होता है जिस चीज को हम देख, जैसे हम कह रहे हैं ना आई एम वॉचिंग द मूवी, तो मूवी को मैं देख रहा हूं, तो वो वॉचिंग होता है, वो सीइंग नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन होती है फ्रेंड्स ये आंखों से नहीं होती, ये माइंड से होती है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि जैसे ही आप अपने कस्टमर को मिलने जाते हो, डॉक्टर को मिलने जाते हो, तो ऑब्जर्व करो कि उस प्रिस्क्राइबर का टेस्ट क्या है। टेस्ट यहाँ पे मतलब मैं खाने पीने की बातें नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट का मतलब है कि वो कौन से प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम उनसे लिखवा सकते हैं। कई बार क्या क्या होता है कि डॉक्टर का जो ट्रस्ट है वो किसी और एंटीबायोटिक के ऊपर है, आप उसको डिटेलिंग किसी और की करके आ जाते हो, ठीक है। एंटीलर्ज डॉक्टर कुछ और लिख रहा है, आप डिटेलिंग किसी और की कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप अपने प्रिस्क्राइबर की प्रिस्क्रिप्शन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि वो लिखते क्या है,
ठीक है। तो इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, आप पहले जैसे आरसीपी करते हैं, आप केमिस्ट के पास सबसे पहले जाओ, वहां से पता करके डॉक्टर की सबसे ज्यादा पर्ची किस ब्रांड की और किस सॉल्ट की आती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन करोगे कि आपने किस कस्टमर के पास कौन सा प्रोडक्ट की डिटेलिंग करनी है। ज्यादातर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और हमने सिर्फ पोटेंशियल प्रोडक्ट की ही मार्केटिंग करनी है, वही उसी की डिटेलिंग करनी है और उसके अलावा हम सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट की ही डिटेलिंग और कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है ऑब्जर्व रिटेलर। जैसे ही आपने डॉक्टर को ऑब्जर्व किया है तो वैसे ही आपने रिटेलर को भी ऑब्जर्व करना है कि कौन सा रिटेलर है जो जिसके पास हमारे पोटेंशियल डॉक्टर की सबसे ज्यादा स्लिप जो पर्ची होती है वो आती है, ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट होती है डॉक्टर की पर्ची। और उसके बाद आपने देखना है कि जो रिटेलर है वो कहाँ से हमारे प्रोडक्ट को मंगवाता है, उसकी उसके पास से सबसे बेटर अवेलेबिलिटी किस स्टॉकिस्ट की है, तो वो सारी चीजें भी आपने ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद आपने करना है ऑब्जर्व योर कंपिटिटर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपिटिटर में क्या क्या करना है, आपने कंपिटिटर के प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करना है, कंपिटिटर के एम्प्लॉय को भी ऑब्जर्व करना है और कंपिटिटर के कंपनी को भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका खुद का प्रोडक्ट और कंपनी दूसरी जो आपका कंपिटिटर है उसके प्रोडक्ट में क्या कंपैरिजन है, अगर आपको उसका कंपैरिजन कुछ पता है तभी आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी डिटेलिंग कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट के यूएसपी बता पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कस्टमर हमने तोड़ना होता है मतलब दूसरी कंपिटिटर का, ठीक है। अगर कंपिटिटर का ऑलरेडी डॉक्टर लिख रहे हैं प्रोडक्ट तो आपका क्यों लिखें, वो आप तभी बता पाओगे अगर आपके पास कंपिटिटर प्रोडक्ट की नॉलेज है, उसका प्राइस क्या है, उसकी पैकिंग क्या है, आपके में पैकिंग क्या है, आपका प्राइस क्या है और आपके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपके जो कंपिटिटर कंपनी है उसकी एम्प्लॉय कि क्या खासियत है, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि मतलब उसके एम्प्लॉय में ऐसी खासियत होती है लेकिन प्रोडक्ट आपको दोनों का मैचिंग होता है, तो आपने उसके आगे कैसे बढ़ना है, कैसे आपने डिटेलिंग करनी है, कैसे आपकी यूएसपी को यूज करना है, तो वो सारा यहाँ पे आपको फायदा करेगा। और उसके बाद आता है जो आपकी कंपिटिटर कंपनी है उसके बारे में भी आप देखें कि वो कंपनी की प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज क्या है, वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रही है ताकि आप उनके उनसे कुछ लर्न कर पाए और आप भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करके अपने प्रोडक्ट को आगे ले आए, ठीक है फ्रेंड्स। जितना प्रोडक्ट आपका आगे जाएगा उतनी सेल आगे जाएगी, जितनी सेल आगे जाएगी उतनी आपकी प्रमोशन जल्दी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट हमारा आता है प्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या है, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा था, ऑब्जर्व यूअर रिकॉर्ड्स। इसका मीनिंग क्या है, आपने खुद के रिकॉर्ड भी ऑब्जर्व करने हैं कि आपने जैसे ही आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट हुआ, आपने जनवरी में क्या सेल किया, फरवरी में क्या किया, मार्च में क्या किया, इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि आपका जो क्लोजिंग टाइम होता है, क्लोजिंग टाइम पे आप देख पाओगे कि मैं कितनी इंसेंटिव की सबसे बड़ी स्लैब से कितनी दूर हूं, ठीक है। तो उसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ ही जैसे 1000 रुपए की, 10,000 की, 5,000 की कमी रही आपके टारगेट में और हमारी जो स्लैब हो इंसेंटिव की वो हम अचीव नहीं कर पाते, ठीक है, तो आपका ये नेगेटिव पॉइंट चला जाता है कंपनी में। तो आपने इस पॉइंट्स अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इस नेगेटिव पॉइंट्स को अवॉइड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब लास्ट हमारा आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है, जितनी ये चीजें आपने की है ऑलरेडी, आपका सारा का सारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है सेल्स का, जैसे साइकिल मीट होती है आपकी हर 3 महीने बाद, बहुत सारी कंपनी आजकल मंथली भी कर रही है लेकिन क्वार्टरली तो हर कंपनी ऑलमोस्ट करती ही है, तो उस साइकिल मीटिंग में आपने क्या क्या आपने सक्सेस जो अचीव की है, जो जिस प्रोडक्ट में आपने ज्यादा से ज्यादा सेल की है वो आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें कि आपने ऐसा क्या किया है कि आपने प्रोडक्ट सेल अच्छा किया, ठीक है। तो जितनी प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी उतना आप अपने एम्प्लायर की जो है एम्प्लायर के साथ फेस टू फेस जो आप ज्यादा से ज्यादा अपने आपको दिखाओगे, तो अपनी खुद की मार्केटिंग करोगे तो उतना आपका बेनिफिट होएगा, तो ही आपकी प्रमोशन जो है वो क्विकली होएगी। फार्मास्यूटिकल फ्रेंड्स जो हमारा मार्केटिंग कैरियर है सिर्फ फार्मास्यूटिकल के ऐसा कैरियर है जिसमें प्रमोशन बड़ी ही जल्दी हो जाती है और 1 से 2 साल में भी जो लोग हैं वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से ABM बन जाते हैं और विद इन 4 to 5 ईयर RBM बनना बड़ा आसान है अगर आप ये सारी चीजें अपनी मार्केटिंग में यूज करते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मार्केटिंग के संबंधित और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।